हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइनर अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहे और सीख जाएंगे आप कैसे माइनर अकाउंट आपको ओपन करना होगा। बहुत लोगों को पता है माइनर अकाउंट क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता। तो मैं आसान भाषा हिंदी भाषा में बता देता हूँ। छोटे बच्चों का अकाउंट, जैसे कि 1 साल से लेकर 18 साल के बीच में जो बच्चा होता है, जहाँ 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का जो बच्चा है, उसका अकाउंट आप कैसे ओपन कराएंगे, तो फ्रेंड इस वीडियो में यही सीखेंगे। मैं मोहन, टेक्निकल मोहल्ला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके सामने आया एक नई वीडियो नई टेक्निक के साथ। वीडियो पसंद आती है फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दिया उसे भी क्लिक कर दें। ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन की जानकारी देखने के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेते रहें। तो आइए चलते हैं, सीख लेते हैं। तो फ्रेंड, इस पेज का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वेबसाइट लिंक, इस पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे इस पेज पर आ जाते हैं, ऊपर लगाएगा आपका प्रोडक्ट का ऑप्शन। प्रोडक्ट में जाएंगे आपका अकाउंट में, अकाउंट में से यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड आप सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है कोटक महिंद्रा के जो भी सेविंग अकाउंट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर जाएंगे। देखते हैं 811 डिजिटल बैंक अकाउंट यहाँ पे शो कर गया है। इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करके ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद फ्रेंड ये अकाउंट आपको नजर आता है, जूनियर दिस सेविंग अकाउंट फॉर किस्ट। इस पर आपको फ्रेंड पहले हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं अप्लाई करने से पहले। तो हम इसे ओपन करते हैं। इसमें आपको डिटेल में पहले बताते हैं आपको नीचे, इसमें परसेंटेज जो मिलेगी आपको मिलेगी 4% का इसमें इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। साथ में जब भी अकाउंट ओपन करते हैं इसके साथ आपको एक डेबिट कार्ड मिलने वाला है। दूसरा फ्रेंड, ये अकाउंट जो ओपन होगा वो आपके गार्जियंस के साथ होगा, जो भी आपकी मम्मी है, पापा है, जो भी आपके साथ रहते हैं उनके साथ लिंक होके ये अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। तो कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर आपको नज़र आ रहा है, देख लीजिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड हमने क्लिक किया, पहले इसमें मांग रहा है आपका आईडी प्रूफ में डीएल दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, आधार कार्ड, दोनों भी इसमें से एक आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, ये आपका आईडी प्रूफ में। एड्रेस प्रूफ में अपना बिजली का बिल दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तीसरा ऑप्शन नीचे आपको नजर आता है, तीसरे में मांगता है सिग्नेचर प्रूफ में अपना पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। चौथा ऑप्शन आता है फ्रेंड प्राइमरी, जैसे कि नॉर्मली बच्चे के अकाउंट में आपको अकाउंट खुलवाना है तो बच्चों के लिए आपको देना पड़ेगा उसका आधार कार्ड या उसका बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद बच्चे के 4 फोटो लगेंगे लेटेस्ट, जो भी है बच्चे का फोटो होगा वो लेटेस्ट लगेगा, जब भी वो अकाउंट खुलवाने जा रहा होगा वही लेटेस्ट फोटो लगेगा, ठीक है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर, तो फ्रेंड बात कर लेते हैं इसकी कैटेगरी, कौन कौन इस अकाउंट को खुलवा सकता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसमें जो है 18 साल से, मतलब 1 साल से लेकर 18 साल के बीच का बच्चा इस अकाउंट को खुलवा सकता है। 18 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 18 साल के अंदर का बच्चा इसे खुलवा सकता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बस ओनली इंडिया में ही खुलवा सकता है, इंडिया से बाहर की कंट्री का कोई बच्चा है तो वो अकाउंट नहीं खुलवा सकता इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड इसके अंदर हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो फ्रेंड अप्लाई के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अप्लाई के नीचे आपको नज़र आ रहा है एक बटन, अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो हम एक बार अप्लाई करके दिखाते हैं आपको कैसे कैसे करना होगा। तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ टाइम ये सर्च लेगा, सर्च करने के बाद इस टाइप का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। जिसके नाम से आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसका इधर नाम लिख देना है आपको, तो हम इधर अपना नाम डाल देते हैं। जिसके नाम से आपको अकाउंट खुलवाना है उसी का नाम इधर इंटर करना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे आपको डालना है उसका मोबाइल नंबर इंटर करना है, बिल्कुल करेक्ट मोबाइल नंबर इंटर करना है क्योंकि आपके इसी मोबाइल नंबर पे वो कॉन्टैक्ट करेंगे। तो नीचे आपको डाल देनी है ईमेल आईडी, उसके बाद अपना एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, जो भी पिन कोड आपके एरिया का है वो पिन कोड डाल देना है। डालने के बाद नीचे अपनी सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। जैसे ही फ्रेंड अपनी सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन नज़र आता है नीचे प्रमो कोड वही डालता है। नॉर्मली जो बैंक का एम्प्लॉय होता है वो अपना प्रमो कोड डाल सकता है क्योंकि उसे बेनिफिट हो जाता है इस अकाउंट को ओपन कराने का। तो हमारे पास कोई प्रमो कोड नहीं है तो आपको उसे खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है टिक मार्क का, जो आपको ये कॉन्टैक्ट कर लें, तो आपको इसमें टिक मार्क पर क्लिक करके नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही फ्रेंड हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, देख कुछ टाइम लोड लेगा, देख सकते हैं आ गया थैंक यू। तो आपके पास मैसेज आ चुका है जो है आपकी जो है कोटक महिंद्रा की जो टीम है, अकाउंट टीम जो है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगी और आपके अकाउंट को वो ओपन कर देंगी।
इस प्रकार से फ्रेंड अपने लिए कोटक महिंद्रा बैंक का माइनर अकाउंट, छोटे बच्चों का अकाउंट, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल जितने साल के बच्चे का अकाउंट खुलाते हैं, छोटे बच्चों का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस प्रकार खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ पाए होंगे क्या क्या इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या क्या इसमें आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, क्या करना है, कैसे करना होगा। कुछ नहीं है फ्रेंड, आपके पास ये कांटेक्ट करेंगे और आपके पास जो है ऑनलाइन घर पे बैठ के आपके अकाउंट ओपन करके चले जाएंगे, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक की दिल्ली में, अदर कंट्री में भी अच्छी सर्विस है, तो नॉर्मली आपके घर बैठ के कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ऐसी टैक और ऐसी इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेने के लिए। मिलते हैं आपको ऐसी टैक और ऐसी इन्फॉर्मेशन का नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड, हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है मोहन गेमिंग वाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करें। वंदे मातरम।